नंबर पांच, आज जन्म कल्याणक है। आज मंदिरों के अंदर भगवान महावीर का स्नात्र महोत्सव होगा, रथ यात्रा निकलेगी, हम भी जुड़ेंगे। जैसे हम सामायिक में जुड़े, हम मंदिर में जाएंगे, स्नात्र में जुड़ेंगे और रथ यात्रा का वर घोड़ा निकला उसमें भी हम जुड़ेंगे। महावीर के जन्म कल्याणक में आज जो भी आराधना कर रहे हो वह रिस्पेक्ट के साथ या रिलेशन के साथ, क्यों? महावीर के जन्म कल्याणक में आप गए वो तो ठीक है, लेकिन आपका जन्मदिन जब मनाते हो या आपके परिवार में किसी का जन्मदिन मनाते हो, जरा बताइए क्या क्या करते हो? पार्टी प्लॉट, बैंक्वेट हॉल, 2.5-3 लाख का खर्चा करते हो कि नहीं करते हो? ये क्या है दिखावा? जन्म तो मेरे महावीर का और किसी का जन्मदिन मनाने जैसा नहीं। जिस जन्म के पीछे मृत्यु लगी हुई हो उस जन्म को क्या मनाना? मैं आपसे पूछूं, आप जब जन्मदिन मनाते हो तो आप मानते हो कि मैं एक दिन बड़ा हुआ, कि मेरी जिंदगी में एक दिन क्या मानते हो? कम हुआ। हमने जन्म कल्याणक जो मनाया वह महावीर के साथ रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट मेरे जन्मदिन, मेरे फ्रेंड का जन्मदिन, मेरे परिवार का जन्मदिन। अब तो मैंने सुना है कि मैरिज के 50 साल होते हैं ना, 50 नहीं, अब तो 25 चले तो भी बहुत अच्छा है। जूने लोगों के 50, नई पीढ़ी जो आती है वह 25, 25 में थक जाएगी। चलो अब सिल्वर जुबिली मना लो, पता नहीं कल डाइवोर्स हो सकता है। अब मैरिज की एनिवर्सरी मनाते हो, आप जन्मदिन मनाते हो, आपको पता नहीं। हमारे गुजरात के अंदर एक गांव में मैं गया था, बंबई का एक आदमी मुझे वहां मिला, मैंने कहा तू यहां, मेरा गांव है महाराज, आप पधारे, अच्छा हुआ। मैंने कहा आप सब क्यों आए? मेरे पापा को 75 साल हुए और मेरी माँ को 70 साल और उन दोनों के मैरिज को 50 साल। अच्छा, तो क्या महोत्सव करने को आए? नहीं महाराज साहब, महोत्सव तो ठीक है लेकिन एक प्रोग्राम करने को आए। प्रोग्राम? बंबई को छोड़ करके यहाँ पर? हाँ महाराज साहब, यहाँ पर आए। क्या प्रोग्राम था? अब जरा सुनना। जन्म कल्याणक के अंदर नाचने वाले, स्नात्र के अंदर चम्मर लेके नाचने वाले, हम अपने जन्मदिन, हम अपने लग्न में क्या करते हैं? मुझे कहा कि मेरे जो बच्चे छोटे, उन्होंने एक दिन दादाजी से कहा, दादाजी दादाजी आपकी जब शादी हुई ना तब हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, और आपके तो कोई एल्बम नहीं है, आपकी कोई वीडियो नहीं है। आहा, अब तो प्री मैरिज शूटिंग होने लगा है। जो भी करो वो करो, लेकिन आज आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। अभी अभी मैं राजस्थान जाके आया, जीरावला जी में मैं 15 दिन रुका। शाम को जब मैं मंदिर जाता तो लगता कि यहां पर कोई बॉलीवुड का शूटिंग चल रहा है। लोगों को परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए ट्रस्ट मंडल ने ये सब बनाया, हमने उसका उपयोग क्या किया? जरा पूछना आपके युवान बच्चों और बच्चियों को वहां जाकर के सेल्फी लेती है, वहां जाकर के ग्रुप फोटो लेते हैं। अरे पिछले साल जब मैं हटी सिंह की वाड़ी से यहां पर आ रहा था साहिबाग, सामने जो कीर्ति स्तंभ है वहां पर नवविवाहित उनका फोटो शूटिंग चल रहा था, कोई मर्यादा नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई शिस्त नहीं। ये धर्म का स्थान है, धर्म के स्थान को तो कम से कम धार्मिक रहने दो। कभी कभी डर लगता है कि हमारे उपाश्रय को कल आप मैरिज की वाड़ी ना बना दो।
न्याता नोरा। राजस्थान को पूरा देख के आया हूं, मंदिर 15 है, घर 15 नहीं है। एक दूसरों की कंपटीशन के अंदर मंदिर तो बन चुके, मूर्ति बिठा दी, अब पूजा कौन करेगा? पुजारी कैसी पूजा कर रहा है जरा आपके गांव में जाके देखिए। कंपटीशन धर्म के अंदर कंपटीशन करो, लेकिन वह तुम्हारे हृदय के परिवर्तन करने वाली कंपटीशन होनी चाहिए, नहीं कि दिखावा वाली।